मेन जो है वुड आर्ट, नेचर बेस्ड थीम है ज़्यादा। दूसरा है पेंसिल आर्ट, नेचर बेस्ड थीम। तीसरा पोस्टर एग्जीबिशन है और वहाँ पर छेद तथा झरना का निर्माण भी कराया गया है और अंदर जाने के बाद फील हो रहा था कि बारिश हो रही जगह। विभाग का प्रयास है कि जू जो हमारा चौथे के बजाय नंबर वन हो, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। नमस्कार, देशवाणी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं काजल आपके साथ। अब पटना जू जाने वालों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ बिल्कुल, अब नए नए एडवेंचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम वन की बात करें, पर्यावरण की बात करें, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए अब पटना जू जाने के लिए बेहद आकर्षित दृश्य भी देखने के लिए मिलेगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले एक बार आप नजर डालिए। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इन क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। पूरे राज्य के स्तर पर जो हमारे मतलब वन हैं, वनों के अंदर, वन के बाहर और साथ साथ जो हमारा सेंचुरी एरिया है, वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले भी हम लोग हैं यहाँ करके। और आज हम लोगों ने जू के अंदर में, जब मैं आया था यहाँ पर लगभग 3 महीना पहले, तो सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब थी, सड़कें गड्ढे में बदल गए थे और मुझे जानकारी मिली 3 वर्षों से काफ़ी आने वाले जो हमारे यहाँ पर घूमने टहलने जो आते हैं जू में, काफ़ी सुविधा हो रही थी बच्चों को, सब लोगों को जाकर के। तो हमने आदेश दिया और 2.2 किलोमीटर सड़क का निर्माण 1,30,00,000 लागत से कराया जा चुका है। शेष जो बच गए हैं उसे भी चालू वित्तीय वर्ष में कराने का हमने आदेश दिया है। और दूसरा एक फर्न हाउस बनाया गया है, फर्न हाउस के उन्नयन का कार्य किया गया है। इसमें 40 प्रकार के, आपने देखा होगा, आर्किड एवं बहुमूल्य प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। फॉर्म हाउस के छेद तथा झरना का निर्माण भी कराया गया है और अंदर जाने के बाद फील हो रहा था कि बारिश हो रही जाकर, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा था। जो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान आते हैं तो उसका भी हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया है जाकर। और आने वाले समय में विभाग का प्रयास है कि जू जो हमारा चौथे के बजाय नंबर वन हो, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। कई निर्णय लिए जा चुके हैं जाकर के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तीसरे कृषि रोड, चौथे कृषि रोड मैप में भी प्राथमिकता दी गई है। और जिस तरह मौसम बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हर व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती जाकर के है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा भी बदलते मौसम से निपटने के लिए तैयारी, बेहतर तैयारी कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया का निगाह मोदी जी के और लोगों का जा करके है। और मुझे खुशी इस बात की आज हो रही है, जो हालात पैदा हुए हैं पूरे देश दुनिया में, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, आग गिर रहा है, चलना दोहर लोगों को हो गया है, घरों में रहना भी मतलब काफ़ी कठिनाई लोगों को हो रही है। उस समय, उस हालात में आज जू में हम सब नेचर एजुकेशन और 4 दिनों का चलने वाला है, कई एक्टिविटीज मैं देख रहा हूँ। तो मेन जो है वुड आर्ट, नेचर बेस्ड थीम है ज़्यादा। दूसरा है पेंसिल आर्ट, नेचर बेस्ड थीम। तीसरा पोस्टर एग्जीबिशन है, वर्ल्ड वॉचिंग, क्लाइमेट चेंज लर्निंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, लर्निंग प्लांट प्रिपरेशन मेथड्स, सीड बॉल मेकिंग, एनिमल केयर। इस तरह से चार जो चलने वाले किलकारी के बच्चे जो हमारे हैं पूरे बिहार में अच्छा कर रहे हैं। जो आसपास में जो सलम बस्तियां हैं, हम जो गरीब बच्चे हैं, प्रतिभा उनके सामने भी है। उन प्रतिभाओं को एक संपर्क करके हमारे डायरेक्टर साहब ने उन सबों को अवसर दिया है। तो सुना आपने, साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि उन्होंने पटना जू में बने हुए 2 किलोमीटर से अधिक ठंडा रास्ते का किया है उद्घाटन। और साथ ही साथ खासकर इस रास्ते पर पेड़ पौधे विशेष रूप से अधिक लगाए गए हैं, रास्तों को किया गया है प्राकृतिक रूप से ठंडा। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है जिसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को ही मिल रहा है कि जो पर्यावरण है उसको ध्यान रखते हुए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। खासकर जू में आपको ये भी बता दें कि पटना जू में वर्षा वन के पौधे भी अब देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ विशेष व्यवस्था से तैयार कर रहे पूरे फार्म हाउस में पानी को
फवारे लगाकर बरसात किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं फार्म हाउस में भी जिस तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं और पौधे लगाए गए हैं जिसका उद्घाटन किया गया है प्रेम कुमार के जरिए, तो आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर कितना सचेत हो चुके हैं। और जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये हो रहा है और इसको मद्देनज़र रखते हुए पौधे लगाए जा रहे हैं पटना जू में। और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रेम कुमार जो है वहाँ पर उद्घाटन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखना लाजमी रहेगा कि आखिरकार जिस तरीके से चीज़ें निकल के सामने आ रही है और पटना जू में इतने सारे चेंजेस जो आ रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा। बने रहे दिस वन न्यूज़।